दोस्तों BSNL यूजर्स के लिए एक सबसे बड़ी अपडेट निकल के BSNL का कुछ भी नया अपडेट होता है। सबसे पहले आपका भाई आपको बताता, उसके 4G को जितना हमने कवर किया, जितने अपडेट हम आपको देते हैं, कोई भी इंडिया में यूट्यूबर आपको नहीं बताता। एक एक पल की खबर आपको हमारे चैनल पे देखने को मिलती है, इसलिए एक थम्स अप तो बनता ही है। आज दोस्तों BSNL ने अपना उधार चुकाना शुरू कर दिया दोस्तों। ZTE, Nokia, Ericsson ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ दोस्तों उसका हजारों करोड़ का दोस्तों यहाँ पे इसका बकाया था, उधार था, उसको चुकाना स्टार्ट कर दिया। ऑलमोस्ट 1450 करोड़ की पेमेंट दोस्तों यहाँ पे रिलीज की BSNL ने। क्या दोस्तों पूरी अपडेट, उसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। प्लीज बने रहिए इस वीडियो के साथ अंत तक। मैं हूं आपका दोस्त नील शेखावत और आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नो नील फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जितनी भी टेलीकॉम कंपनी से अपने गियर मैन्युफैक्चरर्स वेंडर्स होते हैं, कभी हर कंपनी के एयरटेल VI की बात करो, जियो की बात करो, ये कंपनियां दोस्तों थर्ड पार्टी के साथ काम करती है। जैसे जियो सैमसंग के साथ काम करता है, एयरटेल VI यहाँ पे ZTE, हुआवे, एरिक्सन, नोकिया, सैमसंग के साथ काम करता है। ये लोग इनको इक्विपमेंट सप्लाई करते हैं, उनके टावर्स को दोस्तों यहाँ पे लगाते हैं और बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिनको इन पे आउटसोर्स करनी पड़ती है, लेना पड़ता है, जिसका पैसा देती है कंपनियां। लेकिन BSNL भी दोस्तों ऐसा ही कुछ करती है। BSNL यहाँ पे नोकिया के साथ, ZTE के साथ और बाकी कंपनीज के साथ यहाँ पे काम करती है। लेकिन BSNL का दोस्तों कुछ महीनों से यहां पे बकाया चला था, कुछ महीनों नहीं सालों से ये कंपनियां पैसा मांगती थी। उन्होंने क्लियर कर दिया था कि हम आपकी सर्विसेज बंद कर देंगे, जो भी 2G 3G चल रहा है ना ये भी बंद हो जाएगा। लेकिन अब BSNL दोस्तों यहां पे पैसा जुटा लिया, ऑलमोस्ट 1450 करोड़ दोस्तों यहां पे 1450 करोड़ की अमाउंट यहां पे दिए BSNL ने। वो देखते हैं दोस्तों कौन सी कंपनी को कितना कितना पैसा दिया, कब तक BSNL अपने 4G के लिए दोस्तों काम करेगा, उसके बारे में बात करेंगे। स्क्रीन पे दोस्तों आप देख सकते हैं यहां पे BSNL कंफर्म सिग्निफिकेंट कैपेक्स पेमेंट ऑफ नोकिया, ZTE, एरिक्सन और बाकी सारी कंपनीज है दोस्तों। नोकिया, एरिक्सन और बाकी सारी कंपनीज को यहां पे अच्छा खासा पैसा यहां पे BSNL ने चुकाया है। BSNL has started releasing 1450 करोड़, 1450 करोड़ का दोस्तों पेमेंट है, जहां पे नोकिया है, ZTE, एरिक्सन और UT स्ट्रॉम दोस्तों करके कंपनी जो है, स्टारकॉम करके कंपनी, इन सारी को दिया है। सबको दोस्तों थोड़ा थोड़ा पेमेंट इनको यहां पे दिया है। जो इनका नेटवर्क का पहले का पैसा था वो सब पैसा दोस्तों रिलीज करना चालू किया। द स्टर्लिंग टेलीकॉम ऑपरेटर दोस्तों has get the loan of बैंक ऑफ इंडिया, दोस्तों बैंक ऑफ इंडिया से लोन लिया है यहां पे BSNL दोस्तों। यहां पे सरकारी पीके पवार जो है दोस्तों चैनल में बता रहे हैं यहाँ पे BSNL के कि हमने यहाँ पे लोन लिया है ऑलमोस्ट 1450 करोड़ हमने दिया। वी हैव रिलीज 1450, मतलब 1450 करोड़ दोस्तों यहाँ पे ड्यूज जो है क्लियर करने के लिए जो इनके वेंडर्स हैं, नोकिया, ZTE, एरिक्सन और बाकी के जितने भी इनके जो पैसे थे पुराने, जो इनपे हमारा कर्ज था उसको चुका दिया है। मतलब अब हमको हमारे पास कोई कर्जा नहीं है, अब हमारे नेटवर्क को यहाँ पे सुधार सकेंगे, ऐसा बात चल रही दोस्तों यहाँ पे। कौन सी कंपनी को दोस्तों यहाँ पे कितना दिया, नोकिया को अगर बात कर लीजिए तो नोकिया को दोस्तों यहाँ पे 900 करोड़ का था, और यहाँ पे बात कर लीजिए ZTE का 1000 करोड़ का कुछ था यहाँ पे, और बात कर लीजिए दोस्तों यहाँ पे एरिक्सन का 450 करोड़ समथिंग का था, जिसमें GSM का एक्सपेंशन उन्होंने किया था। फिर UT स्टारकॉम है दोस्तों, ये भी यहाँ पे 3G सपोर्ट जो करता है BSNL, ये सारी कंपनीज ने यहाँ पे इतना इतना बकाया था, पूरा नहीं दिया लेकिन कुछ अमाउंट यहाँ पे दे दिया। कितना कितना अमाउंट दोस्तों यहाँ पे दिया गया वो भी देख लेते हैं। नोकिया दोस्तों बता रहा है कि मुझे 500 करोड़ मिल चुका है, ZTE बता रहा है मुझे 400 करोड़ मिल चुका है, बाकी दोस्तों कंपनीज को भी कुछ कुछ पैसा यहाँ पे दिया, ऐसी बात यहाँ पे चल रही है। अब धीरे धीरे करके दोस्तों BSNL जो अपने कर्ज को यहाँ पे चुका रहा है, लेकिन 100 बात की एक बात है दोस्तों, कर्ज चुका रहा है फिलहाल। BSNL का 4G कब आएगा दोस्तों यहाँ पे? ZTE जैसी कंपनी जिसने दावा किया था कि मैं 6 महीने के अंदर, हमें कॉन्ट्रैक्ट दे दो, मैं 6 महीने के अंदर BSNL का 4G पूरे भारत में लॉन्च कर दूं। लेकिन सरकार की कुछ कायदे ऐसे, कुछ कानून ऐसे हैं जहां पे ZTE और Huawei जैसी कंपनी चाइनीज होने के कारण यहाँ पे उनको यहाँ पे ब्लैकलिस्ट में डाल रखा है, इसलिए ये काम नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों एक सबसे अच्छा सुझाव यहाँ पे BSNL का आया था कि हाइब्रिड 4G यहाँ पे हो सकता है, कि मैं कुछ भारतीय वेंडर्स को दूं, कुछ आधा, मतलब 1 लाख टावर समथिंग की बात चली थी BSNL की, 50,000 टावर भारत की कंपनी को दूंगा, जैसे कि L&T हो गया दोस्तों यहाँ पे, TCS हो गया, टेक महिंद्रा, इन सारी कंपनी को दूंगा, बाकी 50,000 जो होंगे वहां पे सैमसंग हो गया, नोकिया हो गया, एरिक्सन हो गया, इन सारी कंपनी को दूंगा, जिससे क्या होगा दोनों ही कंपनी काम कर सके कि जल्द से जल्द मेरा 4G आ जाएगा। इस प्रपोजल पे भारत सरकार का फिलहाल कोई अभी तक दोस्तों स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो बहुत जल्द 4G आ सकेगा। हालांकि फिलहाल दोस्तों सरकार के मंत्री ने लोकसभा में जो स्टेटमेंट दिया था, मिस्टर संजय धोत्रे ने, वो बहुत ही खराब लगा, क्योंकि वहां पे क्लियर कर दिया था कि 2 साल तक नहीं आने वाला 4G। सरकार को बहुत ही दोस्तों युद्ध स्तर पे BSNL के 4G को लाना चाहिए, अगर 4G नहीं आता BSNL का तो ये कंपनी आने वाले 1-1.5 साल के अंदर खत्म हो जाएगी, डेड हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उस टाइम तक बाकी कंपनी अपने 5G को पूरे भारत में डिप्लॉय कर चुकी होगी, यस, और 6G के बारे में सोचना चालू कर जाएगा 2-3 साल के बाद। तो दोस्तों जल्द से जल्द सरकार को यहां पे युद्ध स्तर पे काम करना चाहिए, जल्द से जल्द यहां पे 4G का स्पेक्ट्रम रिलीज करना चाहिए, जल्द से जल्द BSNL को दोस्तों फ्लेक्सिबिलिटी देनी चाहिए, जिससे BSNL यहां पे भारतीय और बाहर के जो वेंडर्स हैं चाइना को छोड़ के उनके साथ मिलकर फटाफट पूरे भारत के अंदर 4G को रोल आउट कर सके, जल्द से जल्द अपने 4G को रोल आउट कर सके। मुझे बताइए दोस्तों आपको क्या लगता है, सरकार को क्या करना चाहिए,
क्योंकि BSNL दोस्तों फिलहाल अपना कर्ज तो चुका रहा, लेकिन BSNL को जल्द से जल्द अपना 4G भी लाना होगा। अगर 4G नहीं आता तो BSNL ऑलमोस्ट यहाँ पे खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। फ्रेंड्स, ये वीडियो अच्छा लगाओ, इन्फॉर्मेटिव लगाओ तो थम्स अप जो देना, आपके भाई का चैनल है, वीडियो को शेयर कर दीजिए सारे दोस्तों के साथ, उन्हें भी अच्छा लगेगा। पहली बार हमारे चैनल पे पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, जो लाल कलर का बटन है इसको जोर दबा देना, इसको दबाने से हमारी छोटी सी टेक्नोनील फैमिली की VIP मेंबर बन जाएंगे। इसके पास देखिए घंटे के बटन, उसको जोर दबा देना, उसको दबाने से जब भी मैं एक नया वीडियो मेरे चैनल अपलोड करूंगा सबसे पहले आपकी फोन की घंटी बजेगी, आप देख सकेंगे मेरा नया ताजा वीडियो सबसे पहले। तो प्लीज भूले बिना इस घंटी के बटन को जरूर दबा देना। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई बड़ी अपडेट के साथ। तब तक बाय, टेक केयर, ऑलवेज कीप स्माइलिंग।